नमस्कार, मैं मुस्कान जैन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने शुरू किया सीएए के समर्थन में ट्विटर कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की। #IndiaSupportCAA हैशटैग से कैंपेन की शुरुआत करते हुए पीएम ने लिखा, भारत सीएए का समर्थन करता है क्योंकि सीएए सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है, ये किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं है। नमो ऐप पर सीएए से जुड़े कई दस्तावेज, वीडियो और कंटेंट है, इसके समर्थन में अभियान चलाएं। उद्धव मंत्रिमंडल का विस्तार, आदित्य ठाकरे बने मंत्री। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आज के विस्तार में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। एनसीपी विधायक अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं पूर्व सीएम विलास राव देशमुख के बेटे अमित देशमुख ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। गलन भरी ठंड की चपेट में आया उत्तर भारत, ट्रेन फ्लाइट सब लेट। पूरे उत्तर भारत में इन दोनों गलन भरी सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण हवाई यातायात, ट्रेनों और वाहनों के आवागमन पर असर पड़ा। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यूपी में ठंडक से अब तक 288 लोगों की जान गई है। वहीं स्काईमेट वेदर ने कहा कि 2-3 दिनों में NCR में सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। फेसबुक नहीं चला सकेंगे नौसैनिक, बेस और युद्ध पोतों पे स्मार्टफोन बैन। भारतीय नौसेना ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्मियों द्वारा फेसबुक का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही नौसेना बेस, डॉकयार्ड, ऑनबोर्ड, युद्ध पोतों पर स्मार्टफोन ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में 7 नौसैनिकों को सोशल मीडिया पर संवेदनशील सूचनाएं लीक करते पकड़ा गया था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तानी संपर्क वाले जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया था। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 6 लोगों की जान गई। लोनी में एक मकान में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे घर में सो रहे 5 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। फ्रिज में लगी आग तेजी से घर में फैल गई, जिससे बचने का अवसर नहीं मिल सका। इससे पहले दिल्ली की अनाज मंडी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई। वहीं शालीमार बाग में शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगने से 3 महिलाओं की जान चली गई थी। धनकोर में नहर में गिरी कार, परिवार के 6 लोगों की मौत। घने कोहरे के कारण संभल से दिल्ली जा रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। ग्रेटर नोएडा के धनकोर में उनकी कार नहर में जा गिरी, जिससे परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक कोहरे की वजह से अर्टिगा कार नहर में गिरी। इस कार में परिवार के 11 लोग सवार थे। यह हादसा रविवार रात 11:30 बजे के करीब हुआ था। OIC में पाकिस्तान को झटका, शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री। इस्लामिक सहयोग संगठन की अप्रैल में प्रस्तावित बैठक में सदस्य देशों के सांसद हिस्सा लेंगे, जबकि विदेश मंत्री शामिल नहीं होंगे। इसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर विदेश मंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे तो कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपोगंडा की धार गूंध पड़ने की संभावना है। बैठक की तारीख अभी तक तय होनी बाकी है, लेकिन बैठक इस्लामाबाद में होने की संभावना है। ट्रंप ने रूस को दी आतंकी हमले की साजिश की जानकारी। अमेरिकी खुफिया विभाग ने न्यू ईयर पर आतंकी हमले की साजिश की जानकारी रूस को दी है। रूस गृह मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर आतंकवादी हमले की साजिश की जानकारी दी थी। इसके आधार पर रूसी फेडरल एजेंसी ने साजिश रचने वाले 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ट्रंप की इस मदद के लिए पुतिन ने उन्हें फोन कर शुक्रिया कहा। दानिश कनेरिया का चैनल छाया, लाखों हुए सब्सक्राइबर्स। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भेदभाव वाले बयान के बाद पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई है। पहले जहां दानिश के यूट्यूब चैनल का एक वीडियो पर औसत 2 से 5 हजार व्यूज आते थे, तो वहीं अब एक वीडियो को तो 14 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। दानिश के चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या भी अब 1,37,000 को पार कर गई है। वीकेंड पर अक्षय की फिल्म गुड न्यूज ने मचाया धमाल। अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की फिल्म गुड न्यूज ने वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। पहले दिन बम्पर ओपनिंग के बाद फिल्म का प्रदर्शन शनिवार और रविवार को और भी जोरदार रहा। 3 दिन में फिल्म ने 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने तीसरे दिन 25 से 26 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म में एंटरटेनमेंट का कम्प्लीट डोज है, तो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।